इंटरनेशनल ट्रेड शो इस वक्त चरम पर चल रहा है। एक स्टॉल पर हम आए और ये स्टॉल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगाई गई है। इस कटआउट से बहुत सारी सेल्फीज और वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना पीछे रहें, हम भी बना लेते हैं। अब आप देखेंगे 112 यानी शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 112 है आपके साथ। उत्तर प्रदेश पुलिस का वो महकमा, जब आप 112 डायल करते हैं, यानी 112 तब डायल करते हैं जब आपको परेशानी होती है, पुलिस को बुलाना चाहते हैं। इस पूरे एक स्टॉल के अंदर पुलिस कौन कौन सी क्या काम करती है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से उनकी गतिविधियां चलती हैं, ये दर्शाया गया है। 112 यहाँ पर दिखाई गई है, मैम यहाँ पर बैठी हुई है। उसके बाद में आप देखेंगे कि 112 के साथ आपात सेवा यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी मुकम्मल आपको यहाँ पर पूरी तरीके से चीज़ें मिलेंगी। 101 का जिक्र किया, 100 फायर सर्विस जो होती है, 108 का एम्बुलेंस का जिक्र है। यहाँ पे दूसरी तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 1090 का जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। थोड़ा सा मैम ज़रा आप एक सेकंड मैम आप यहाँ पे देखेंगे तो 1090 यानी महिलाओं के वुमेंस पावर लाइन के लिए यहाँ पर ये लाइन है, इसको दिखाया गया है। ये एक तरह से महिला हेल्प डेस्क आप कह सकते हैं। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर साइबर हेल्प डेस्क जो है वो दिखाया गया है, यानी इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी आपको कुक्रम है या फिर क्राइम है, यहाँ पर उसकी आपको मदद मिलेगी। ये कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, और ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से काम जो है किया गया है। एक डेसिबल मीटर है, व्हील क्लैंप है, पोस्ट मशीन है, ब्रीथ एनालाइजर है, बॉडी वॉन कैमरा है। ये ब्रीथ एनालाइजर जो है ज़्यादातर मेरे ख्याल से ड्राइविंग के वक्त काम आता है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, शराब के जो वाहन चला पीकर वाहन चलाते हैं उनकी रोकथाम के लिए, ताकि किसी का एक्सीडेंट वगैरह ना हो, और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया जा सके कि उसके द्वारा कितने शराब का सेवन किया गया है। ये बॉडी वॉन ये हम लोग प्रयोग करते, जब हम यातायात नियमों का उल्लंघनकर्ता को पकड़ते हैं तो उसके द्वारा हमारे साथ जो अभद्रता की जाती है इसमें सारी कैप्चरिंग वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ रहती है, जिसे हम बाद में साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है सर, ये पॉस मशीन, व्हील क्लैंप और डेसिबल मीटर, इन तीनों का? ये हमारा जो पॉस मशीन है, आजकल जो लोग क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह या क्यूआर स्कैनर से आप पेमेंट जो उल्लंघन करता है उसे किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा। अगर उसने हेलमेट नहीं लगाया तो वो कहता है मैं क्यूआर करूंगा, मेरे पास कैश नहीं है, तो क्यूआर की भी फैसिलिटीज़ के अंदर है, वाईफाई के साथ अटैच है। व्हील क्लैंप पर नो पार्किंग में आजकल देखा होगा पिज़्ज़ा बर्गर लोग खाने चले जाते हैं अपनी गाड़ियों को रोड पर छोड़कर, तो व्हील क्लैंप लगाकर उनका नो पार्किंग में चालान किया जाता है और गाड़ी की डिटेल सेव कर ली जाती है। उनके द्वारा अगर व्हील क्लैंप को तोड़ा भी जाएगा तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। और ये डेसिबल मीटर आजकल आपने देखा होगा बुलेट पर, आजकल मॉडिफाइड साइलेंसर में पटाखे वगैरह छोड़ने की प्रथा चल गई है, जिससे इसका प्रयोग करके हम उसका जो ध्वनि प्रदूषण है विद मानकों के उल्लंघन में डेसिबल मीटर से माप कर उसका चालान माननीय न्यायालय को प्रेषित कर सकते हैं हम। बिल्कुल, तो ये देखिए ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ये पूरे वो उपकरण है, एक तरह से आप कह सकते हैं किस किस से काम होता है। ये साइबर हेल्प डेस्क है, सर आपका क्या काम रहता है, किस तरह से काम करते हैं? ये साइबर हेल्प डेस्क ये काम, जैसे अगर किसी अभियुक्त के साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है किसी विक्टिम के साथ, तो वो अपनी 1930 पे कॉल करके या एक पोर्टल है NCRP पोर्टल पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद वो संबंधित को प्रेषित की जाती है MHA के माध्यम से और फिर उस पर काम होता है। तो इसमें जैसे एक फ्रॉड वाले केस आते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल दिया या फ्रॉड धमकियाँ आती हैं, या आजकल एक बहुत अच्छा हनी ट्रैप चल रहा है, वीडियो बना लेते हैं, ये तमाम चीज़ें सभी इसी डिपार्टमेंट में आती है और पोर्टल के माध्यम से कंप्लेन दर्ज होने के बाद वो संबंधित थाना या स्टेशन को भेजी जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि एक इस वक्त जो है चलन में ये चल रहा है कि एक वीडियो कॉल की जाती है, फ्रॉड वीडियो कॉल, और उस फ्रॉड वीडियो कॉल पे 3 से 5 सेकंड या 10 सेकंड का आपका वीडियो ले जाता है, फिर उसको बिना कपड़ों के पेश करके किसी एक महिला के साथ में जो फेक होती है उसके साथ, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। सर उसके लिए कैसे काम करते हैं? यही तरीका है सभी का, यही तरीका। कंप्लेन होने के बाद उस पर फिर फाइंडिंग की जाती है साइबर क्राइम के माध्यम से, जो भी साइबर थाना है या साइबर स्टेशन है, साइबर सेल है, वो कंप्लेन जहाँ भी जाती है वो अपना उस पर फाइंडिंग करते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है किसी साथ ऐसा हो जाए, जैसे अब वीडियो कॉल का चल रहा है पूरा, मैंने आपको बताया। हम इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं और इसके लिए बाकी बहुत सारी प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज और जो आपके अथॉरिटीज हैं वो प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, बहुत थैंक यू सर। थोड़ा थोड़ा सबसे मालूम कर लेते हैं, 1090 से यानी वुमेंस पावर लाइन का है। मैम ये कैसे काम करता है, थोड़ा बताइए। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप?
ठीक है। हाँ, हम लोग तो लखनऊ से आए हुए हैं। हमारा मुख्यालय जो है 1090 का, ये लखनऊ में है, गोमती नगर में है, तो हम लोग वहीं से आए हुए हैं। अच्छा, ये कैसे काम करता है, महिलाओं को थोड़ा बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मैसेज पहुँच सके। सर देखिए, सबसे पहले तो हमारी तरफ से ये एक कार्ड छपा हुआ है। हाँ। इसके कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में हर गांव है, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन सिर्फ एक नंबर है 1090। इसको आप नोएडा से भी मिला सकते हो 1090, चाहे बलिया से मिला लो, चाहे आगरा से मिला लो, आपको कोई 9192 ऐसा नहीं, केवल एक प्रदेश एक नंबर, सबसे पहली बात। दूसरी बात, तो अगर कोई लड़की स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है, लड़के को पता है कि ये 9:30 बजे निकलेगी, तो वो 9 ही बजे तैयार होकर के एकदम खड़े हैं, उनके साथ पीछे पीछे जाते हैं, पीछे पीछे आते हैं, तो उसको सहने की कोई जरूरत नहीं है। ये 1090 पे वो निसंकोच होकर के कॉल कर सकती हैं, या आजकल आप सोशल मीडिया का जमाना है ही है, तो वो फेसबुक पे दोस्ती कर लेते हैं, फिर फोटो मांग लिया, फिर उसको तोड़ मरोड़ के गंदा करके वो उसको धमकाने लगे, मुझसे मिलने आओ, नहीं तो फिर मैं तुमको बदनाम कर दूंगा, ब्लैकमेल करते हैं। तो ये उससे है, मतलब सोशल मीडिया, चाहे फोन के थ्रू हो, चाहे आते जाते हो, छेड़खानी हो, तो उसके लिए 1090 वर्क करता है। तो इसमें अच्छी बात क्या है, हमारी कार्य प्रणाली क्या है कि आप 24 घंटे में कभी भी 1090 पे कॉल कर सकते हैं, महिला अधिकारी द्वारा ही आपके कॉल को रिसीव किया जाएगा, यानी कि बिना डरे बिना शर्माए वो कॉल कर सकती हैं हमें, और महिलाओं से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो 1090 पे कॉल कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये 1090 है, कुछ और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं छूटा मैडम? हाँ, बताना है, और जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तो हम लोग फीडबैक के माध्यम से आपसे संपर्क में रहते हैं, और क्या कहना है, और हाँ, और कभी भी हम आपको या आप मुझे नहीं देखेंगे, हम लोग केवल फोन पे ही सारी समस्या का समाधान करेंगे, यानी आप हाँ, एक तरह से प्राइवेसी रखी जाए। हाँ, प्राइवेसी रखी जाए, आपका नाम पता सब कुछ गोपनीय रखा जाएगा। हाँ, तो ये 1090 का खेल है महिला हेल्प डेस्क से। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर कोई महिला लड़की को कंप्लेंट करती है तो उसकी प्राइवेसी बिल्कुल एक तरह से जो है गोपनीय रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा। ये पूरे वो विभाग हैं जो काम करते हैं, 112 इसके बराबर में महिला विभाग हमने आपको अभी दिखाया, उसके बराबर में हमने आपको दिखाया साइबर, उसके बराबर में ट्रैफिक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं उस बड़े मुद्दे को जिसके बारे में हमने कल आपको बताया था। सबसे पहले तो ये आता है, यहाँ पर UPSTF आता है। देखिए, एक बड़ा मामला है यहाँ पर। कल बहुत खतरनाक वीडियो हमने यहाँ पर बनाई थी। कैसे है सर? नमस्कार सर, सब बढ़िया है सर? सब एकदम बढ़िया सर। UPSTF से आप सर, उससे आपसे मिले थे, ATS से आप सर, मैम आप कैसी हैं? ठीक है सर, आप बाकी सब बढ़िया है सर। तो कल हम स्टोरी जो हम कल कर रहे थे, कल जो हमने आपको कुछ एक तरह से व्हीकल्स दिखाए थे नीचे, इसकी प्रदर्शनी लग रही थी, कल हमारी मुलाकात हुई थी सर से, लेकिन हम वो वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पाए, आधा वीडियो आपके पास पहुँचा है। अब हम थोड़ा सा बातचीत करके इन पूरे मामलों को समझ लेते, कैसे STF और जो है आपका विभाग ATS जो है काम करता है और किस तरह से वो लोगों को जो है मदद मुहैया कराता है। सर आपका क्या? मेरा नाम राममगन है, कमांडो आप STF से? जी UPS। सर थोड़ा सा बता दीजिए कि STF कैसे काम, UPSTF कैसे काम करता है? STF जो है अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई करती है, ठीक, उनको खात्मा पहुँचा। अच्छा, इसमें कोई कैटेगरी आती है, बड़ा अपराधी, छोटा अपराधी, ऐसा कोई भी नहीं? अपराधी तो अपराधी होता है जी, चाहे छोटे, जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं, पर ये है कि छोटा हो या अपराधी, अपराधी तो अपराधी होता है। सर आपके उसमें है ये ATS में, ये आपके ये तीन से चार ये है? अच्छा, एक वो स्नाइपर गन, ये कौन सी? ये सर CZ स्कॉर्पियन EBO 3A1, ये चेक रिपब्लिक की बनी हुई है। इसकी मार क्षमता है 250 मीटर। और एक बार में कितने फायर कर सकती है? सिंगल राउंड करेंगे, वन करेंगे, अगर ब्रस्ट में लगाएंगे तो वो 30 राउंड 1-2 सेकंड में खाली कर देंगे। और ये सर, ये वाली, ये सर ग्लॉक 19X है, इसकी 50 मीटर कारगर रेंज है, और इसमें 19 राउंड कारतूस आते हैं। 19 राउंड क्या कारतूस है इसकी? ये क्या है सर? ये सर थर्मल मोनोकुलर डिवाइस है एक, जो अंधेरा और कोहरे में हीटिंग रेडिएशन पे कार्य। ओके, और सर ये स्कोप है सर, इसको भी लगा करके नाइट में ही हम दूर से किसी को देख सकते। ये स्कोप कौन सी गन पे काम करता है? ये गन पे नहीं लगाया जाता सर, वैसे देखा, सिर्फ देखने के लिए, विजुअल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, STF के थे, अब आप चलते हैं ATS की तरफ। भैया सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट यही होता है सर, मैंने कल बोला था ना भोकाल कट रहा है ATS का, तो भोकाल तकड़ा कट रहा है सर। आप बताइए आपका नाम क्या है सर? मैं डिप्टी SP लायक सिंह, UP ATS, हेडक्वार्टर लखनऊ से हूँ। हाँ, और हमारा टीम है, हमारी UP में 3 जोन में बटा हुआ है, जोन
यूपी तीन जोन में बटा हुआ है, जिसमें पूर्वी पश्चिमी मध्य टीमें हैं, जहाँ हमारी दो दो टीमें हर क्षेत्र में व्यवस्थापित हैं। हमारा काम है आतंकवादी गतिविधियों को पहचानना और उनको निष्क्रिय करना, तथा देश की सीमाएं जो लगती हैं प्रदेश से उनको भी सुरक्षित रखना, और कट्टरपंथियों को की भर्ती को रोकना, कट्टरपंथियों का बढ़ावा जो है उस पर अंकुश लगाना, ये हमारा काम है। छापे डालना हमारा काम है, और अपहरण मुक्ति बंधक बचाव की कार्रवाइयों में भी हम काम करते हैं। देश की एक NSG एजेंसी है, उसके साथ मिलकर हम काम करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, और सभी ऑपरेशन जो भी प्रदेश में हैं उनको हम अंजाम देते हैं। जो आपके बड़े से बड़े अपराधी जो राष्ट्र की गतिविधियों में, मतलब राष्ट्र को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ हमारा काम, चाहे वो चरमपंथी वाला मामला हो या आतंकवादियों को पोषित वाली कार्रवाई हो, सब में हमारा काम करना है। बिल्कुल, तो यानी कि जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती हैं उसमें ATS आता है, और ATS की देश की सीमाओं को सुरक्षा सुरक्षित करने का मामला भी इनके साथ में है, और भी बहुत सारी चीज़ें ये जो है संभालते हैं। सर, खतरनाक महकमा है वैसे आपका, भोकाल है आपका यूपी में, और ख़ास तौर से तब से जब से योगी आदित्यनाथ आए, कल मैंने यही शब्द इस्तेमाल किए थे। चलिए सर, ये बताइए ये क्या क्या है, थोड़ा बड़े खतरनाक लग रहे हैं सर देखने में, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये हमारा FOS कैमरा है, हाँ, जो हम कहीं भी अगर कोई गेट खुला नहीं मिलता है तो उसके नीचे जरा दराज होती है, जेली होती है, वहाँ से डाल के इसको हम 360 डिग्री सर्च कर लेते हैं कि अंदर अंदर कोई है या नहीं है। अच्छा, है तो हम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लेते हैं वहाँ, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा जो है एक कॉर्नर शॉट गन है, जिसमें पिस्टल माउंटेड है, और इससे हम अपने को एक्सपोज किए बिना एंगल से हम टेररिस्ट को देख करके, और इसके लगा हुआ है ये मॉनिटर लगा है, इसमें देख करके उसकी स्थिति को देख करके इससे हम फायर कर लेंगे। उड़ जाती है, उड़ जाती है, आप नाले से निकालेंगे तो फिर वो बाहर की तरफ फायर कर देंगे, ठीक है। बहुत ये हमारा रूम इंटरवेंशन में है, ये मतलब बिल्डिंग इंटरवेंशन के लिए, रूम इंटरवेंशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये हमारा जो है जो हिट कमांडो की एक हिट होती है, उससे ये इस गोली का उपयोग करते हैं, तो हमारा जो है ज़्यादा रिकॉशिस्ट से बचना है, बचते हैं, रिकॉशिस्ट उतना नहीं होता जो हमारे कोई क्षति पहुंचा सके। अच्छा, हाँ, ये रूम इंटरवेंशन की लड़ाई में हमारा काम आगे आ रही है। सर, इनको तो सर ये तो डमी है, इनको तो वैसे ही सर डमी है, ओरिजिनल है, अरे बाप रे बाप, ओरिजिनल है भाई, ये तो वाकई डर लग रहा है इनको देख के तो भाई जी। ये हमारा जो जहाँ हम हाथ से ग्रेनेड फेंकते हैं उससे थोड़ा आगे है, या जो GF लगा हुआ है ये PSC का हमारे बगल में, इससे गोली फेंकने के बीच की जगह जो बचती है उस पर हम इससे फायर डालते हैं, इसको कहते हैं अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर UBGL है। अच्छा, ठीक है। और जो बड़े टारगेट है जिसमें तो हम समूल ही उड़ाने के काम करने के लिए ये हमारा रॉकेट लॉन्चर है। अच्छा, ये रॉकेट लॉन्चर, सर इसकी क्षमता कितनी है, मार कितनी है इसकी? इसकी मार 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर तक हम इससे डालते हैं, ठीक है सर। और सर आगे ये हमारा जो है एक जिसको प्लाटून का तोप खाना कहते हैं, इसमें भी ग्रेनेड फायर किए जाते हैं। और बाकी ये तीनों चीज़ें सर ये सही में क्या? अच्छा, ये हमारी लाइट मशीन गन है, LMG है, और ये इसका जिक्र हमने कर ही दिया आपका, और वो हमारा लाइट गन है जो PSC, जहाँ हमको जो है मतलब थोड़ा बाहर कहीं हो गया हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो है। और ये जो है सर ये मशीन गन कितने फायर कर सकती है एक बार, मतलब कितनी गोली है एक मैगजीन में? ये इसकी मैगजीन में तो 30 राउंड आते हैं, 30 राउंड, लेकिन ये 650 से 700 राउंड जो है पर मिनट फायर करता है। अच्छा, एक मिनट में। दूसरा हमारा जो है वो स्नाइपर रखा है, STF की टेबल पे है, वो भी इसको यूज करते हैं और मैं भी इसका यूज करता हूं। इसको STF भी यूज कर सकता है और ATS भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो चूंकि प्रदर्शनी है तो रख लिया उसके बताने के लिए भी, क्लियर है कि हम भी बता देंगे वो बता देंगे। कि अब जिस तरह से आप काम करते हैं ATS वाले, आपसे बदमाश, आपसे आतंकवादी सब घबराते हैं सर, कभी ऐसा महसूस हुआ कि घर लौट के वापस जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, कभी खतरा महसूस हुआ सर? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं लौट के नहीं जाऊंगा। मैं तो हमारा टारगेट ही है, हमारा एम ही है, हाँ, उसको हम फतेह करते हैं, ड्यूटी टू डेथ वाले लक्ष्य को लेकर चलते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि मैं लौट के नहीं जाऊंगा।
अच्छा सर, एक एक देशवासियों को मैसेज दीजिए और एक देश के दुश्मनों को मैसेज दे दीजिए। जैसे को तैसा। चलिए, तो ये पूरा एक उत्तर प्रदेश पुलिस का महकमा है। बारी बारी से हमने आपको 112 के बारे में बताया, 100 के नंबर के बारे में, 1090 के बारे में बताया, साइबर क्राइम के बारे में, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, एसटीएफ, यूपीएसटीएफ और ये यूपीएटीएस के बारे में बताया। ये पूरे इनके इक्विपमेंट हैं, हथियार जिसको कहते हैं हम, वेपन्स जो हैं। और जिस तरीके से एटीएस इस वक्त काम कर रहा है वो वाकई सराहनीय है, क्योंकि पिछले अगर 5-7 या 7 साल पहले अगर हम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के क्राइम जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आया है। और शायद यही वजह है कि ऐसे हमारे रक्षा करने वाले, सुरक्षा मुहैया प्रदान करने वाले जाबाज ऑफिसर हमारे साथ में हैं। वो जो एटीएस है, एसटीएफ है, यूपी पुलिस है, वो हमारी रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। तो फिलहाल ये जो मेला है, जो एक शो लगा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रेड शो, वहाँ पर अलग अलग तरह के रंग हम आपको दिखा रहे थे। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस से हमने आपको मिलवाया, आगे भी और स्टॉल्स पर जाएंगे, लगातार आपको हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, ग्रेटर नोएडा से नव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तान।